हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी की एक नोटिस आई हुई थी, जो कि आपकी थी जूनियर असिस्टेंट 2016 के टाइपिंग की डेट्स की नोटिस, जो कि मैंने अभी आपको हाल ही में बताया है। और फिर से एक नोटिस जारी हुई है, साक्षात्कार वाले अभ्यर्थी ध्यान दें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। चलिए देख लेते हैं कि क्या नोटिस आई है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ, आप देख सकते हैं ये 22 परीक्षा 2016 दिनांक जो ये आपका है दिसंबर 2020 का है। आवश्यक सूचना कुछ इस तरह से है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 22 परीक्षा 2016 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत साक्षात्कार कार्यक्रम से संबंधित आयोग की सूचना संख्या आपको दिया हुआ है दिनांक 17 नवंबर 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। आयोग की उक्त सूचना के क्रम में दिनांक 1/12/2020 से 24/12/2020 के मध्य संपन्न साक्षात्कार में कतिपय ऐसे अभ्यर्थी जो कि साक्षात्कार में अनुपस्थित रहे हैं और जिनके द्वारा पुनः साक्षात्कार कराए जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 24/12/2020 को पूर्वाह्न 11 बजे से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान दें कि जो भी बच्चे किसी कारणवश अपना साक्षात्कार नहीं दे पाए हैं, वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनका साक्षात्कार जो है वो आखिरी दिन, जैसा कि आपको पता है कि 1 से 24 के मध्य जो है साक्षात्कार वहाँ संपन्न होना था, तो 24 तारीख को आपका पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर के जो है आपका जो है इंटरव्यू जो है वो होगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। यह भी सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत संलग्न सूची के उक्त अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अगर ऐसा कोई अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में सफल हुआ हो और चयन के अगले चरण साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार पत्र एवं अन्य प्रपत्र आदि आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया हो, तो वह भी अनुपस्थिति के कारणों का उल्लेख साक्ष्यों सहित करते हुए दिनांक 24/12/2020 को पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग कार्यालय में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। किसी कारणवश अगर आपने वहाँ पे नहीं बताया है, आपके पास आपका इंटरव्यू लेटर है, तो आप भी जो है 11 बजे जा कर के वहाँ पे अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं, ठीक है, जिसके संबंध में पृथक से निर्णय लेते हुए यथा आवश्यक दिनांक 24/12/2020 को ही साक्षात्कार आहूत किया जा सकता है। तदुपरांत किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु पृथक से अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में निर्गत किए गए साक्षात्कार पत्र और अन्य प्रपत्र सहित उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। नीचे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दी गई है और इसमें बहुत सारे बच्चों के नाम दिए गए हैं। तो ये दी हुई है अभ्यर्थियों की सूची, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 72 बच्चों की सूची जो है वो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो जिन भी बच्चों ने दिया होगा वहाँ पे कोई एप्लीकेशन या फिर जिनका साक्षात्कार छूट गया है, वो जा कर के 24 तारीख को अपना साक्षात्कार वहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जिसको पता होगा, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बच्चे ऐसे हैं उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चलिए, टेक केयर एंड बाय।